नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस समय रीवा त्योथर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ट्रक सहित अन्य माध्यमों से उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों में जाने वाले भूखे प्यासे हजारों प्रवासी मजदूरों को एमपी यूपी बॉर्डर चाक घाट पर रोके जाने व भोजन सहित गृह ग्राम तक पहुँचाने व अन्य समुचित व्यवस्थाओं के न होने पर कई घंटों से उत्तर प्रदेश सीमा में जाने के लिए मजदूर इंतजार पर बैठे रहे। श्रमिकों ने नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर चक्का जाम किया व त्योथर एसडीओपी सहित चाकघाट थाना प्रभारी और पुलिस बल ने आक्रोशित भूखे प्यासे मजदूरों पर लाठी चार्ज किया, जिसमें कई श्रमिक मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं श्रमिकों द्वारा अपने स्थित पर स्थित मीडिया कर्मियों को सुनाना चाहा, परंतु पुलिस ने लाठी चार्ज व भय से मीडिया को बता न सके। थाना प्रभारी व एसडीओपी त्योथर द्वारा पत्रकारों से भी अभद्रता इस मामले में की गई है। पत्रकारों के अधिकार और आज़ादी पर रोक लगाने सहित लाठी चार्ज पर वीडियो मिटाए जाने का भी भरपूर प्रयास किया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं त्योथर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अरे यार, महीन लोग मरवा गया भैया। ओ बगी सब पकड़ी। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।